हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी होली टू एवरीवन। आज मैं हूँ ऋषिकेश नगरी में, जिसे बहुत ही सुंदर नगरी और धार्मिक स्थान भी कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे, होली का त्यौहार आने वाला है, परसों होली है और मार्केट पूरी रंगों से सजी हुई है और मेरे बाल भी तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सबको हैप्पी होली विश कर दिया जाए। हैप्पी होली एवरीवन। ऋषिकेश एक ऐसी नगरी है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे विज़िट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पता ही होगा कि रिवर राफ्टिंग बहुत ही फेमस है। यहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, और यहाँ पर गंगा मैया भी है। तो धार्मिक दृष्टि से इसका जो महत्व है वो और भी कई गुना बढ़ जाता है। और आज जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होगी ट्रेन नंबर 14609, जिसका नाम है हेमकुंट एक्सप्रेस। ये जो हमारी जर्नी होगी ये होगी ऋषिकेश के स्टेशन से हरिद्वार तक। डिस्टेंस बहुत ही कम है, लगभग 22 से 23 किलोमीटर का, लेकिन जो जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसे? क्योंकि मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ टाइगर रिजर्व एरिया और बहुत ही सिनेमेटिक सीन्स। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ बने रहने पर आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। आ चुकी हूँ मैं स्टेशन के अंदर। बहुत ही साफ़ सुथरा और शांत स्टेशन है ये। और अगर आप स्टेशन में सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर खड़े होते हैं तो आपको जो ठंडी ठंडी हवाएं, क्योंकि पहाड़ी, मतलब आपको यहाँ से सारे पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपको बादल भी दिखेंगे। तो वो ठंडी ठंडी हवा जो चलती है, आप देख सकते हैं मेरे बाल हिलने शुरू हो गए हैं, जबकि अभी मैंने सिर्फ चंद सीढ़ियाँ ही चढ़ी है। तो बहुत ही अच्छा स्टेशन है ये। और हमारी जो ट्रेन है वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो चलिए आइए ट्रेन में जाकर बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा स्टेशन है ये। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको पहाड़ों के पीछे बादल भी देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन LHB कोचेस के साथ। ऋषिकेश से इस ट्रेन के चलने का टाइम है 5:20 का, और ये पहुंचा देती है हमें हरिद्वार के स्टेशन पर 6:20 पे। अभी जो टाइम है वो हो रहा है 5:05। जिस कोच में मैं ट्रेवल करूंगी वो है स्लीपर कोच। तो चलिए आइए मैं आपको इस ट्रेन का इंटीरियर दिखा देती हूँ। बाप रे बाप, आप देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस चढ़ना पड़ेगा ट्रेन को कवर करने के लिए। प्लेटफॉर्म कितना नीचे और ये सीढ़ियाँ कितना, मतलब ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए या जो अपने बेबीज़ के साथ चढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये। आप देख सकते हैं सामने मिरर दिया हुआ है, पानी आ रहा है, प्रॉपर इसका फ्लो है पानी का। साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेन आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लाइट फैन सारा कुछ ऑन है और काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन है। सीट्स कंफर्टेबल है, LHB कोचेस है, सामने मिरर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं चार्जिंग का सॉकेट दिया हुआ है, एक यहाँ पर और दो यहाँ पर, और सामने भी आपको एक ही चार्जिंग का सॉकेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन के चलने का टाइम हो चुका है, चलिए आइए मैं आपको इसका डिपार्चर दिखाती हूँ। जो सामने आप रेलवे लाइन देख रहे हैं वो जा रही है योग नगरी ऋषिकेश की तरफ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि होली के त्यौहार के दिन चल रहे हैं, और होली को हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं, और बहुत ही रंगीन त्यौहार है ये, सबके दिलों को रंग से भर देने वाला। तो इसलिए आप एंजॉय कीजिए रंग भरे फूलों के प्राकृतिक नज़ारों को।
हम पहुंच चुके वीरभद्र के स्टेशन पर। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या तो एक ही है, लेकिन ट्रैक्स है यहाँ पर 4, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। तो अब शुरू हो चुका है टाइगर रिज़र्व एरिया, और अगर आप ऋषिकेश से हरिद्वार उस पर आ रहे हैं हाईवे के थ्रू, तो आपको देखने को मिलेगा सावधानी के जो बोर्ड्स होते हैं, वो आपको सावधान करते हुए ये नोटिस दिखाएंगे कि शुरू हो चुका है टाइगर रिज़र्व एरिया, सावधान रहे। तो हम पहुंचने वाले हैं रायवाला जंक्शन के स्टेशन पर, और सामने जो आप लाइन देख रहे हैं वो आ रही है देहरादून से। आपने देखा ही होगा कि जो मेरा चैनल है वो एक डाइवर्सिफाइड चैनल है, जिसमें हर तरह के ट्रेन की वीडियोस आती है, चाहे वो शॉर्टेस्ट रूट जर्नी हो या लॉन्ग रूट जर्नी हो, चाहे आप बात करो थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, डेमो ट्रेन, मेमो ट्रेन, शताब्दी, वंदे भारत, आपको हर तरह का जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो मेरे चैनल पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। डू सपोर्ट माय चैनल सो दैट मैं आपके लिए हर तरह की जर्नीज जो है वो बनाती रहूँ, लेके आती रहूँ, और आपको यूं ही एंटरटेन करती रहूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पॉसिबल हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सो दैट आप लोगों के कारण ही मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेके आ सकूं।
तो हम पहुंच चुके हैं मोतीचूर के स्टेशन पर। यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकेगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। मोतीचूर नाम सुनते ही मोतीचूर के लड्डू का ख्याल आ गया और मुँह में पानी आ गया। दे आर माई फेवरेट लड्डूस। और ये जो स्टेशन है ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सुनसान से काफ़ी सुनसान सा है ये इलाका। जंगल के बीचों बीच बना हुआ है ये स्टेशन। टाइगर रिजर्व एरिया के बिल्कुल साथ ही पड़ता है। थोड़ा सा डर बना रहता है पर मज़ा आ रहा है, एडवेंचरस सा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को और फॉरेस्ट रिजर्व एरिया को एंजॉय किया होगा। यही मेरे ब्लॉग का मकसद था। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट ब्लॉग तक। स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। लेकिन एक मिनट, तो जाते जाते छोड़ जाती हूँ मैं आपको हरिद्वार के अराइवल के साथ।